हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा। दोस्तों आपके लिए बॉक्स लेके आया। ये देखिए डेन का दोस्तों बॉक्स है। इसका मॉडल नंबर जो है C7638 है। दोस्तों इसमें पावर का प्रॉब्लम है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों हमारा कोई भी लाइट नहीं आ रहा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं आ रहा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला हम बॉक्स को ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा गंदगी से पहले हम सबसे पहले साफ कर लेते हैं। पहला काम करेंगे एडाप्टर को लगाएंगे और मीटर को हम डीसी पे 20 वोल्ट पे करेंगे। यहाँ पे ग्राउंड इसे दे देंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा 5 वोल्ट, जो कि हमारा 5 वोल्ट क्लियर आ रहा है। उसके बाद से दोस्तों हमारा यहाँ पे एक रिसेट रहता है, ये रिसेट से 5 वोल्ट आउटपुट 5 वोल्ट ये भी क्लियर है दोस्तों, जो हमें आईसी तक जाता है यहाँ पे, क्योंकि 5 वोल्ट आ रहा है। अब ये दोस्तों ये आईसी से हमें आउटपुट 3.3 होना चाहिए, तो ये भी हमारा 3.3 भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 3.3 से दोस्तों हमारा ये 3.3 है, यहाँ से हमें आउट आएगा 1.7 2.7 2.6 फिर 2.56 उसके बाद 1.8, तो ये भी हमारा दोस्तों सभी क्लियर है। फिर हमारा दोस्तों जो मेन है वहाँ पे है हमारा ये रीसेट, देखिए यहाँ पे रीसेट आता है यहाँ से यहाँ, जो हमें 3.3 से आउटपुट 3.3 होना चाहिए। ये भी देखिए दोस्तों हमारा क्लियर है। तो हो सकता है दोस्तों या तो हमारा ये सीपीयू से प्रॉब्लम होगा या तो हमारा ये रैम खराब होगा। यहाँ पे देखिए ये रैम या तो हमारा ये सीपीयू से। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे रैम को 1.3 आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे तो 1.3 आ रहा है, मतलब हमारा ज़्यादा आ रहा है। फिर भी दोस्तों हमें उसका टेंशन नहीं है। हम क्या करेंगे पहले वॉश करेंगे एक बार। और दोस्तों वॉश करने से पहले पूरा हमें रजिस्टर को रिसोल्ड करना पड़ता है। ये जो हमारा डायबोर्ड है दोस्तों उसे पहले हम सोल्डरिंग करेंगे अच्छे से। कभी कभी क्या होता है दोस्तों हमारा डायबोर्ड से भी हमारा बॉक्स चालू हो जाता है, तो ये पूरा निकालना पड़ेगा दोस्तों बॉक्स। देखिए दोस्तों अभी क्या करेंगे दोस्तों हमारा ये जो डायबोर्ड होते हैं ना इसे हम अच्छे से पहले रिसोल्व कर देंगे, कभी कभी यहाँ से भी प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों। ये देखिए अभी हम इसे क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों देखिए हमने इसे अच्छे से रिसोल्व कर दिया है। और अभी हम दोस्तों चेक करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे फिर से कि हमारा चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या रहता है इसे रिसोल्व से भी हो जाता है चालू कभी कभी। दोस्तों अभी भी हमारा ये चालू नहीं हो रहा है। तो अभी हम दोस्तों क्या करेंगे, ये हमारे जो सीपीयू के बैक साइड में लगा हुआ है यहाँ से हम इसे निकाल देंगे। देखिए हमने यहाँ पे साफ कर लिया है और इसे अच्छे से साफ करेंगे दोस्तों। जो देखिए यहाँ पे पूरा साइड में दोस्तों गंदगी है, वो गंदगी को साफ कर लेंगे। इन्होंने कहीं तो दिया रहा होगा दोस्तों, हमने हमें बताया नहीं कस्टमर ने, क्योंकि इसके नीचे दिख रहा है पूरा साफ साफ कि इसके अंदर लिक्विड मारा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे दोस्तों अच्छे से
ऑफ करेंगे, जो लिक्विड इनका है अंदर का वो निकालेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसे साफ कर दिया है। अभी गन मशीन से हमें यहाँ पे इसे हीट मारना है। दोस्तों इसे पेस्ट मारा हुआ है पहले से, पूरा साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, पहले से किसी ने इस पे काम करके भेजा है। देखते हैं दोस्तों चालू होता है या नहीं होता है। अभी फिर से हम एक बार चेक करेंगे कि हमारे कहीं वोल्टेज ड्रॉपिंग तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि तो ड्रॉप होएगा तो भी होएगा प्रॉब्लम। तो देखिए हमारे यहाँ पे सभी वोल्टेज क्लियर है, फिर भी दोस्तों हमें ये चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी भी हमारा चालू नहीं हो रहा है। लास्ट एक ही दोस्तों रहता है, देखिए या तो आप रैम चेंज करें, मेरे पास इस समय रैम नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के दिखाऊंगा रैम के लिए, और या तो हमारा ये जो रजिस्टर होते दोस्तों, ये छोटे रजिस्टर होते हैं, इसे हमें ये देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से रिसोल्व कर दिया है एक बार, और इधर से भी चेक करेंगे दोस्तों कहीं शॉर्ट तो नहीं है ना, यहाँ पे एक जगह पे शॉर्ट है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट और फाइनली यही है चेक करने का दोस्तों, उसके बाद से रैम आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा दोस्तों। अभी जस्ट मेरे पास रैम नहीं है दोस्तों, ये वीडियो मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों तो ये रैम के लिए सिर्फ डाल दूंगा आपको। जैसे कि अभी देखते हैं ये चालू दोस्तों नहीं हुआ है, 100% चालू नहीं हुआ दोस्तों, रैम हमें यहाँ पे लगाना ही लगाना पड़ेगा, बट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कंपनी से नहीं आया है, तो ये विंडमॉन का कंपनी रहता है दोस्तों। तो इसे क्या करेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए डाल देंगे दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा इस बॉक्स का, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा हो गया है वीडियो ये। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि ये रैम प्रॉब्लम है।